खबर बरेली उत्तर प्रदेश से है, जहां पर मासूम बच्चे ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। समाज सेविका रोशनी कांत परवेज मियां ने किया बच्चे को सम्मानित। वहीं कैट थाना क्षेत्र के ठेरिया निजावत खान में एक गरीब परिवार ने ईमानदारी की मिसाल पेश की, लेकिन जब कोई रुपए से भरा बैग वापस कर देता है तो लगता है कि इंसानियत और ईमानदारी आज भी जिंदा है। दरअसल बता दें कि ऐसी मिसाल 10 वर्षीय बच्चे ने पेश की है। उसे रास्ते में 5 लाख रुपए का भरा बैग मिला था और बैग के मिलने के बाद बच्चे ने उस बैग को मालिक की काफ़ी देर की तलाश होने के बाद उसे नहीं मिला। उसके बाद पैसे से भरा बैग उसकी मां को दे दिया गया, मगर मां ने ईमानदारी की मिसाल पेश की और तुरंत अपने बेटी को रुपए से भरा बैग उसके मालिक को देने को सलाह दी। वहीं छात्र ने ईमानदारी को दिखाते हुए स्कूल के मैनेजमेंट उसकी 1 साल के फीस को माफ़ कर दिया। 10 वर्षीय बच्चे ने ईमानदारी दिखाकर, वहीं बता दें TMZ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष और भाजपा नेत्री एडवोकेट रोशनी खान आज उसके घर पहुंची, भारतीय संविधान के प्रति भेंट की, वहीं 150 उपहार भी भेंट किए। उनके यह नन्हे कदम ही हमारे देश का भविष्य है। ऐसे बच्चे की ईमानदारी और अच्छी सूझबूझ से ही आगे चलकर बाबा भीमराव अंबेडकर तथा APJ अब्दुल कलाम जैसे महान शख्सियत बनते हैं। प्राइम वेकेंसी न्यूज़ चैनल के लिए सुशील चंद वर्मा, बरेली उत्तर प्रदेश।